145 मीरा भाईंदर विधानसभा के कैंपेन के मुहूर्त पर मंच पर उपस्थित आपके हमारे सभी के आदरणीय ज्येष्ठ नेता जिनके तालीम में मैं यहां तक पहुंचा वो आदरणीय तुलसीदास मात्रे जी और लियो कोलोसो जी, याकूब कुरैशी जी, महेंद्र सिंह चौहान जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी राजेश शर्मा जी, मेहुल वोरा जी, एडवोकेट सावंत, हमारे दोस्त मिलन मात्रे जो नगर परिषद से लेके महानगर पालिका तक हमारे साथ उन्होंने विरोधी पक्ष करके काम किया, राष्ट्रवादी के संतोष तेंदुलकर, जकी पटेल, उमा श्याम पाटिल, हमारे दोस्त चक्रवर्ती जी, वसई कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल अल्मेडा जी, रूफी भूरे, महिला अध्यक्ष लीला पाटिल, निर्मला सावले, एडवोकेट खान, प्रदेश कांग्रेस के सचिव सुरेश दलवी, जिला अध्यक्ष अंकुश मालूसरे, कार्य अध्यक्ष प्रमोद सावंत, गट नेता जुबेर इनामदार, बिपिन नायक, सभी आजी माजी नगर सेवक, सभी जिले के पदाधिकारी, सभी वार्ड प्रभाग के पदाधिकारी, सभी फ्रंटल के अध्यक्ष, सभी सेल के अध्यक्ष और उनके सारे पदाधिकारी, पत्रकार दोस्तों, उपस्थित भाइयों बहनों और दोस्तों, इस सभा में आने से पहले और यहां पे कैंपेन का शुभारंभ करने से पहले मैं आदरणीय जो इस शहर में आज भी 102 साल की उम्र में आपके हमारे बीच में आपको हमको आशीर्वाद देने के लिए मौजूद है, वैसे आदरणीय ज्येष्ठ कांग्रेस के नेता कृष्णा राव जी मात्रे साहब के घर पर जाकर के उनका आशीर्वाद लेने के बाद हम यहाँ पर आए। उसी के साथ में दादा तेंदुलकर रायगांव में उनके भी घर जाकर के उनका आशीर्वाद लेकर के हम यहाँ पहुंचे। माधवराव पाटिल जी के घर जाके उनके दर्शन करने के बाद हम यहाँ पर आए। कृष्णा राव मात्रे, मोरेश्वर नारायण पाटिल, दादा साहब पाटिल, तेंदुलकर, माधवराव पाटिल, लियो कोलोसो साहब, तुलसीदास मात्रे, सीडी सिंह, महेंद्र सिंह चौहान, ये कांग्रेस के वो स्तंभ हैं कि जिन्होंने कभी भी कांग्रेस के दामन को छोड़ा नहीं। इस शहर में अगर कांग्रेस आज नजर आती है, वो आपको हमको लगता होगा कि आपके हमारे वजह से नजर आती है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इमारत लंबे समय तक वही टिकती है जिसकी नींव मजबूत होती है, तो उस नींव को मजबूत बनाने का काम इन लोगों ने किया।
और इसीलिए कृष्णाराव मात्रे साहब के पास जब मैं गया अभी आज शाम में 4:30-5 बजे मैं और याकूब भाई रहू भाई और सभी लोग, तो पहले तो उन्होंने मेरे पिताजी के बारे में नाम लिया नजीर हुसैन, मम्मी कैसी है 102 साल की उम्र में, और दूसरा ये शब्द था तू जीतना रहे तो मेता हारना रहे। दादा साहब तेंदुलकर साहब के घर पे गए, उन्होंने भी यही अल्फाज दोहराए। तो जब मात्रे साहब से मिलने में जब गया कि मात्रे साहब टिकट मेरी फाइनल हो गई है, टाइम है तू जीतना रहे, और आप देख लीजिए अगर खुदा ना करे भगवान ना करे आपकी हमारी कभी इनके जैसी सेहत होगी तो आप और हम घर के बाहर नहीं निकलेंगे, मगर मात्रे साहब को 5:30 का टाइम दिया, वो 5:40 पे यहां मौजूद थे। इन सारे लोगों का जब बड़े लोगों का आशीर्वाद मिलता है, लियो साहब ने बताया कि मेरी शुरुआत मीरा रोड के यूथ कांग्रेस करके की, उस वक्त मीरा रोड की आबादी सिर्फ 11,000 थी और आज पूरे मीरा भयंदर की लोकवस्ती तकरीबन 15 लाख है। मेजॉरिटी लोग आप सब पिछले शहर में 15-20-25 सालों में यहां पर क्या आकर रहने लगे, मुंबई से और पूरे हिंदुस्तान से माइग्रेट होकर के आप यहां पर आए, इसलिए आपको शायद इस बात की मालूमात कम होगी कि 12 जून 1985 को जब इस मीरा भयंदर में जो भी ग्राम पंचायतें थी वो सारी कांग्रेस की ग्राम पंचायतें थी, तुलसीदास मात्रे जी सरपंच थे, परशुराम पाटिल सरपंच थे, शशिकांत भाई शाह सरपंच थे, मगर इन्होंने अपने पद का त्याग किया, कांग्रेस के आमदार थे, कांग्रेस के खासदार थे, कांग्रेस की सरकार थी, और इन्होंने इस पांचों छहों ग्राम पंचायत का समाविष्ट करके 12 जून 1985 को नगर परिषद बनवाई। आज अगर ये कॉरपोरेशन बर्खास्त करने की बात आएगी तो यहां के सत्ताधारी पहले कोर्ट में भागेंगे स्टे लेने के लिए, मगर कांग्रेस के नेतृत्व ने इस बात को देखा और समझा और जाना कि ये मुंबई से लगा हुआ शहर है और ये बढ़ेगा और ये एक बड़ा महानगर बनेगा, और आज ये बड़ा महानगर बना है, और अगर ये बना है तो इन लोगों ने जो अपने पद की कुर्बानी दी उसके वजह से बना। वरना आप देखिए कि कल्याण में, वसई में ऐसे कई गांव हैं जिसे महानगर पालिका शासन ने डिक्लेयर किया मगर उन्होंने महानगर पालिका में अपने आप को समाविष्ट नहीं किया और गांव को गांव रखा है। आज इस शहर में पिछले नगर पालिका से लेके आज तक 1985 से लेके तो 2014 तक और 2014 से लेके 2019 तक इन 25 से 35 सालों में जो भी विकास हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, उसका फाउंडेशन रखने का काम यहां बैठे हुए सारे लोगों ने मिलकर किया। मिलन मात्रे थे सभागृह में जोर से लड़ते थे, महेंद्र सिंह चौहान साहब थे जोर से लड़ते थे, इनके सामने बीजेपी के एक ओम प्रकाश गारोड़िया जी थे, जब महेंद्र सिंह चौहान और ओम प्रकाश गारोड़िया खड़े होते थे दोनों तब हम लोग सब चुप बैठते थे, बोलते थे अभी 1 घंटा लड़ाई चलेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि विरोधी पक्ष की आवाज कभी बंद करने का काम कांग्रेस ने नहीं किया। इंदिरा जी थी, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर 2 सीट्स के ऊपर वेकेंट करा के अडवाणी जी को और अटल बिहारी वाजपेयी जी को चुनाव लड़ने का मौका दिया, सिर्फ इसके लिए दिया कि पार्लियामेंट के अंदर विरोधी पक्ष होना चाहिए। आज हम देखते हैं
दिल्ली से लेके तो इस शहर की गली तक सत्ता में बैठे हुए लोग उनका उनकी विचारधारणा यह है कि वो डेमोक्रेटिक डिक्टेटर बन गए हैं। अगर किसी ने आवाज उठाई तो तुरंत आईबी, सीआईडी, सीबीआई वो दिल्ली और राज्य के स्तर पे और मीरा भाईंदर में तुरंत पुलिस पे कंप्लेन। गरीब आदमी ने आवाज उठाई तो उसका झोपड़ा तोड़ने का काम, उसके मकान तोड़ने का काम, किसी व्यापारी ने आवाज उठाई तो उसकी बिल्डिंग तोड़ देने का काम, किसी ने आवाज उठाई तो उसकी जमीनों के ऊपर बलजबरी बोर्ड लगा देने का काम। आनंद परांजपे साहब ने बहुत अच्छा कहा था कि इस शहर का सारा 7-12 बदल गया है, 7-11 बन गया है। ये जो विधानसभा की सीट मुझे मिली है उसके लिए मैं खुसूसी तौर पे हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी आभार प्रकट करना चाहूंगा, शरद पवार जी का, राहुल गांधी जी का, खरगे जी का, अशोक चव्हाण जी का, पृथ्वीराज चव्हाण जी का, बालासाहेब थोराट जी का, माणिकराव ठाकरे जी का, अजीत पवार साहब का, जयंत पाटिल साहब का और विशेष रूप से जितेंद्र अवार्ड, आनंद परांजपे और नजीब मुल्ला जी का। अगर ये सारे लोगों ने मिलकर के इस बात का फैसला नहीं किया होता कि ये राष्ट्रवादी की सीट कांग्रेस को हम दे रहे हैं, शरद पवार जी ने तो जाहिर सभा में इस बात का ऐलान किया था, उसके बावजूद भी कई लोग अफवाहें फैलाते थे इस शहर में कि जो लोकसभा का निर्णय आया है उसके बाद में मुजफ्फर हुसैन चुनाव नहीं लड़ेंगे। यहां तक के मीडिया को बुला करके बोला गया था कि मेरे सामने कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। अब तो बातें ये सुनाई भी देती है कि उन्हीं की पार्टी में से भी लोग चुनाव लड़ने वाले हैं। मिलिंद मात्रे ने बहुत अच्छी बात कही कि मुझे गर्व है, इससे अहंकार की बदबू आती है, इससे अहंकार की बदबू आती है। ये कह सकते थे वो कि मुझे खुशी है, इस तरह का भी बोर्ड लग सकता था कि मुझे खुशी है मेरा शहर बड़ा हुआ है, मुझे खुशी है मैंने रास्ते बनाए हैं, मुझे खुशी है मैंने गैस दिया है भले उसमें गैस की पाइपलाइन पहले से मौजूद थी, मुझे खुशी है मैंने बीएसपीपी योजना के 4,180 लोगों को बेघर किया है और 180 लोगों को मकान दिया है मगर फिर भी मुझे खुशी है, ऐसा कह सकते थे ये गर्व होने के बदले में। और पता नहीं कितने सारे गर्व के बोर्ड इस शहर में लगे हैं, बोर्ड उन्हीं के लगेंगे क्योंकि सारी होर्डिंग बलजबरी से अपने ताबे में ले लिया है, पार्टनर वही है, बैकड्रॉप से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के टेंडर बैकड्रॉप्स के उन्हीं लोगों के हैं, प्रमोद महाजन जी का सभागृह है। मैं एक दिन किसी कार्यक्रम में गया था और कमिश्नर मेरे बाजू में बैठे थे, मैंने उनसे कहा कि ये आदरणीय दिवंगत प्रमोद महाजन जी के नाम का सभागृह है मगर एक भी चित्र तस्वीर प्रमोद महाजन साहब की उस हॉल में नहीं है। मैंने उनसे कहा कि एक बड़ी तस्वीर लगाइए जिनके नाम से आपने सभागृह बनाया है, चाहे वो नेता भले भाजपा के हो मगर एक नेता थे देश के, उनकी तस्वीर लगनी चाहिए। अभी हाल ही में मैं किसी और कार्यक्रम में गया था, आज तक की वो तस्वीर नहीं लगी। तो जिन लोगों को अपने पार्टी के ही नेताओं का आधार करने को नहीं आता है उनके ताल्लुक से उनको गर्व ही लग सकता है मिलिंद मात्रे साहब, क्योंकि वो अहंकार है, वो अहंकार बोलता है। हमको नेता बनते बनते 35 साल लग गए, कोई 5 साल में बन गया है, किसी ने कोई वीडियो की दुकान की बात करी है वो पूरा शहर जानता है, किसी के ताल्लुक से उसके बारे में और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हम तो जो राजनीति की बातें है वो करेंगे, कल परसों ही कोई वीडियो व्हाट्सएप का कुछ वीडियो चला था
आमदार ने कहा कि इसमें कांग्रेस वालों का हाथ है। यूट्यूब चैनल के कोई पत्रकार आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि वो कहते हैं नरेंद्र मेहता कि कांग्रेस वालों का हाथ है, कांग्रेस का हाथ है। मैंने कहा उनको कांग्रेस का सिंबल अभी अभी अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है, कांग्रेस का हाथ जब चलेगा तब होश उड़ जाएंगे। और मैंने ये कहा कि हम जो कहते हैं डंके की चोट पे कहते हैं, जाहिर सभे में कहते हैं, पब्लिक के बीच में कहते हैं, छाती ठोक के कहते हैं, ये इस तरह का चिल्लरगिरी का पब्लिसिटी का काम हम नहीं करते। जब प्रचार शुरू होगा तो ये शहर में कितना अत्याचार और कितना भ्रष्टाचार हुआ है और किसने किया है वो बाकायदा हम कहेंगे। ये महानगर पालिका 5 साल में 750 करोड़ रुपए के कर्जे में डूब गई है, ये पैसे कहां गए ये जरूर सवाल पूछा जाएगा। अब आज से लेके रविवार तक ये शहर में आपको बहुत सारे फेसबुक पे, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, यहां फाउंडेशन, यहां उद्घाटन, यहां फाउंडेशन, यहां उद्घाटन, 35 साल हम लोगों ने राज किया, 91 से लेके तो 2014, 25 साल। मगर इन 25 सालों में ना हमने, ना महापौर ने, ना गिलबर्ट मेंडोंसा जी ने जाकर के ना कभी तस्वीरें खिंचाई, ना कभी फाउंडेशन लेन के कार्यक्रम किए, ना कभी भूमि पूजन किया, मगर शहर बना के खड़ा किया। आज जो शहर आपके सामने है उसको हमने बना के खड़ा किया। बहुत मुद्दे हैं, इतना मसाला है, वो सारा मसाला एक एक करके बताया जाएगा, बोला जाएगा और पब्लिक के बीच में बोला जाएगा, डंके के चोट पे बोला जाएगा। हमको ये छुपा हुआ कारनामा करने की जरूरत नहीं है। ये छुपा हुआ कारनामा करना, वीडियो बांटना, बोगस व्हाट्सएप घुमाना, बोगस हैंडबिल छापना, ये तुमने किया है, नगर पालिका के 2007 के चुनाव में किया है। ये मोदी जी खड़े हैं, चंद्रकांत मोदी, इनके प्रभाग में हैंडबिल बंटवाए थे कि ये चुन के आ जाएंगे कांग्रेस वाले तो कत्लखाना बनेगा, इन्होंने गुना दाखिल किया, आज तक केस चल रहा। एक सीडी बंटवाई, पूरी दुनिया में कहां कहां पर स्लॉटर हाउस है उसकी सीडी बना करके बंटवाई जैनों के बीच में, उसका भयंदर के अंदर गुना आज भी दाखिल है, वो भी केस आज तक चल रहा है। तो ये बोगस बातें फैलाना, झूठ बातें फैलाना, अफवाहें फैलाना, यह तुम्हारा काम होगा। हमारे पास तो सच बोलने के लिए ही इतना मसाला है कि शायद इलेक्शन का वक्त ही पूरा नहीं पड़ेगा। मिलिंद मात्रे जी और सब लोगों ने यहां पे अच्छी बात कही कि यह शादी ब्याह का माहौल नहीं है, यह मैदान जंग है, यह मैदान जंग है। और मैदान जंग में जब कार्यकर्ता उतरता है तो सामने वाले को हराए मगर दम नहीं लेना होगा। पैसे की ताकत से मत घबराइए, अगर राजनीति में पैसे की ताकत पे सब कुछ हो सकता था तो दुनिया के बड़े से बड़े अमीर लोग नगर सेवक भी बनते थे, पंत प्रधान भी बनते थे और आमदार भी बनते थे। मैं तो ये कहूंगा, अभी आजकल वो नया नगर में घूमते हैं सवेरे सवेरे 9 बजे, नए नगर में सोसाइटी में घूम के कचरा उठाने का काम करते हैं। भैया इनको मालूम नहीं है हमारी कौम कैसी होशियार है, तेरे से बेटा कचरा भी उठाएंगे और तेरा कचरा बनाएंगे भी, और दबा के पैसा लेना अगर देगा तुमको तो 5-25-50 हजार रुपए अपना सेटलमेंट मत करना, 2-5-10 लाख पेटी, इससे नीचे का सौदा ही नहीं करना, क्योंकि अपनी भी तो कीमत कुछ अच्छी लगाना आप लोग। सोसाइटीज को भी कहना, अरे क्या खाली कचरा उठवा रहे हो, क्या खाली कचरा उठा रहे हो, बैंक के अंदर 10 लाख रुपया आरटीजीएस करवाओ पहले, कचरा उठाने के लिए उसमें 10 हजार में कचरा उठ जाएगा, तुम्हारा कलर भी लग जाएगा। ये मैं बाकायदा पब्लिकली अनाउंस कर रहा हूं और सब लोगों से कह रहा हूं, ये सोसाइटी के ऊपर खाली छपरा बना दो हमारा 2 लाख रुपए का, ये ऐसा चिल्लर का मत काम करवाइए।
पूरे शहर को लूट लूट के खाया है, पूरे शहर को लूट लूट के खाया है, इसको लूटने का टाइम अभी आया है। इसने समाज समाज के नाम पे समाज के अंदर झगड़े फैलाया है, अब ये सारे समाज ने मिलकर के इसको समेटने का काम करना है। ऐसी विचारधारणा का व्यक्ति मत, लोगों ने विधानसभा में काम करने के लिए भेजा, ये काम करते महानगर पालिका में। अभी आपका समय आ गया है कि इसको अगला नगर सेवक का चुनाव आपको लड़वाना है। लड़ाई जब तक कि जोरदार और टक्कर की नहीं होती है तब तक मजा नहीं आता है। पिक्चर में जब हीरो लड़ते हैं विलन को मारता है, जोरदार पब्लिक तालियां बजाती, बजाती कि नहीं? अरे बजाती है, नहीं बजाती है तो विलन कौन है? भ्रष्टाचारी। और हीरो कौन है? भ्रष्टाचारी। बोलते नहीं है यार, दम नहीं है। ये थापा भाई समोसे में ताकत नहीं थी तो ताकत से लड़ना है। यहां पे जितने लोग बैठे हैं आप सब लोग, अगर आपने खाली 100 परिवार, कितने परिवार एक साथ बोलो, कितने परिवार, कितने परिवार, ये लोग कुछ करने नहीं वाले, तुम्हारे से काम करवाने वाले, कितने परिवार। अभी खाली तुमने 100 परिवार को संपर्क करके 100 परिवार की वोटिंग कराई तो इसका भट्टा भार है, इसका भट्टा भार है। इस शहर में मैंग्रोव खराब, सॉल्ट पैंस खराब, खेती की जमीन खराब, लोगों की जमीन पे कब्जा, क्या चीज नहीं हुई है, क्या गलत काम नहीं हुआ है। गरीब से गरीब आदमी, छोटे से छोटा आदमी और बड़े से बड़ा आदमी, हर आदमी को तकलीफ देने का काम अगर किसने किया है तो ये लोक प्रतिनिधि ने किया है। लोक प्रतिनिधि को क्यों चुन के देते हैं? कि वो उनकी समस्याओं का समाधान करे, ना कि लोक प्रतिनिधि समस्याओं का डोंगर खड़ा करे, उनको परेशानी में डाले। ये शहर की बहुत सारी समस्या है। जब आज तो प्रचार का नारियल फूटा है, इसके लिए आज ये ट्रेलर काफी है, अभी पिक्चर बाकी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज, जय भीम। सर्वांचा एक सर्दी।